जब जब चुनाव आते हैं तो राजनीतिक परिवर्तन, भगदड़, ये सब तो होता ही रहता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए सभी राजनीतिक दलों के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। इन्हीं में से एक है हरियाणा का प्रसिद्ध भड़ाना परिवार। जब चाहे जहाँ से किसी भी पार्टी से जाके टिकट ले लेते हैं और चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक अवतार सिंह भड़ाना ने आज लखनऊ में प्रियंका गांधी की मौजूदगी में फिर से कांग्रेस ज्वाइन कर ली। वो फरीदाबाद से 3 बार सांसद रह चुके हैं कांग्रेस के और एक बार मेरठ से भी सांसद रहे हैं और कई बार इस तरह की बातें भी सामने आती रही हैं कि उनके परिवार के कुछ और सदस्य भी राजनीतिक दल बदल कर सकते हैं। उनके भाई करतार सिंह भड़ाना, जो कि रालोद के विधायक रह चुके हैं, उनके बारे में भी चर्चाएं चल रही हैं। उनके बारे में चर्चा है कि शायद वो बिजनौर लोकसभा सीट से इस बार चुनाव लड़ें। किस पार्टी से लड़ेंगे ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि अवतार सिंह भड़ाना फरीदाबाद से फिर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दूसरी ओर उन्होंने अपनी विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर फिर उपचुनाव होगा, ये तय है। और इसके साथ ही मीरापुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए भी भाजपा नेताओं में खलबली है कि कौन टिकट लेगा। वहाँ से कुछ जाट नेता टिकट लेते रहे हैं। इसके अलावा दूसरे दलों में भी प्रतिक्रियाएं हैं कि इस बार वहाँ पे भाजपा के सामने गठबंधन का प्रत्याशी उतरेगा या नहीं, गठबंधन विधानसभा के उपचुनाव तक रहेगा या नहीं, ये कई सवाल खड़े हो गए हैं। बहरहाल हम इस डेवलपमेंट के बारे में आपको आगे भी अवगत कराते रहेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।